अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये हमारे चारम की जमात है। हमारा जो मजमून है उर्दू है, और आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो मौजू है वो क्या है, दरगाह हजरत बल। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम आज, हमारे सबक का नाम क्या है, दरगाह हजरत बल। ये हमारे सबक का नाम है, यही सबक हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, इससे पहले कि हम अपना आज का सबक ये स्टार्ट करें, शुरू करें, इसकी शुरुआत करें, तो इसमें से कुछ ये जो मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं, इनके माने मैं आपको समझाऊंगा और लिखाऊंगा भी, ठीक है बच्चों। जैसे बारादरी, सबसे पहले क्या है, बारादरी। बारादरी किसे कहते हैं, 12 दरवाजों वाला मकान, 12 दरवाजों वाला मकान, बारादरी कहते हैं बच्चों, 12 दरवाजों वाला मकान। यानी जैसे दरगाह हजरत बल जो है, जो नगीन के अंदर है, श्रीनगर में, श्रीनगर जो हमारी हमारा शहर है, वहाँ एक जगह है, उसका नाम है नगीन। वहाँ उसका क्या नाम है, नगीन। वहीं ये जो है दरगाह भी है, वहाँ भी उसको हजरत बल भी कहते हैं। उस जगह को क्या, उस जगह का क्या नाम है, हजरत बल। तो वहाँ ये दरगाह है, उसका नाम क्या है, दरगाह का हजरत बल, ठीक है ना। तो बारादरी, ये जो हजरत बल ये दरगाह है, इसके 12 दरवाजे हैं। इसके कितने, 12 दरवाजे हैं इसके, उसे क्या कहते हैं, बारादरी। तो अगला जो है मोए मुकद्दस, मोए मुकद्दस, मोए मुकद्दस किसे कहते हैं बच्चों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतबरकबाद, का मुतबरकबाद। यानी बच्चों, जो हमारे नबी आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बाल मुबारक, दाढ़ी मुबारक का एक बाल मुबारक, वो हजरत बल में रखा हुआ है, वो जो दरगाह है वहां पे रखा हुआ है। तो उस बाल को क्या कहते हैं, मोए मुकद्दस, क्या कहते हैं, मोए मुकद्दस। तो लोग जाते हैं उस जो वहां पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुकद्दस रखा हुआ है, मोए मुबारक रखा हुआ है, उसकी ज़ियारत करते हैं, उसको देखते हैं, अकीदत की निगाह से उसको देखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मोए मुकद्दस, ठीक है बच्चों। उसके बाद है वारद, वारद किसे कहते हैं बच्चों, वारद कहते हैं पहुंचना, यानी किसी जगह जाना, किसी जगह पे पहुंचना, उसे क्या कहते हैं, वारद। उसको उसके बाद है मुस्तकिल, मुस्तकिल किसे कहते हैं, लगातार, हमेशा, पायदार। मुस्तकिल किसे कहते हैं, हमेशा, पायदार। हमेशा भी लिखो और पायदार भी लिख सकते हो, पायदार यानी जो हमेशा रहे, जो मुस्तकिल हो, पायदार हो। उसके बाद तोसी, तोसी किसे कहते हैं बच्चों, तोसी कहते हैं वसत, बढ़ावा, बढ़ावा। यानी किसी चीज को खोलना, वसत देना, कुशादा करना किसी चीज को, बड़ा करना, बढ़ाना किसी चीज को, उसे क्या कहते हैं, तोसी। उसके बाद जाजब नजर, जाजब नजर किसे कहते हैं, जाजब नजर कहते हैं अच्छा नजर आने वाला, अच्छा नजर आने वाला, जो अच्छा नजर आए, और कशिश हो, जो जिसको देख के दिल खुश हो जाए, ठीक है बच्चों। उसके बाद जायरीन, जायरीन किसे कहते हैं बच्चों, अकीदतमंद, अकीदतमंद, जियारत करने वाले, ज़ियारत करने वाले। यानी ये जो दरगाह हजरत बल है, वहां के वहां पे मोए मुकद्दस रखा हुआ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतबरक बाल रखा हुआ है, तो लोग जो हैं कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से, मुख्तलिफ जगहों से लोग जाके वहां पे उस बाल की ज़ियारत करते हैं, उनको देखते हैं, अकीदत की नज़र से उसको देखते हैं, एहतराम की नज़र से उस बाल मुबारक की ज़ियारत करते हैं, देखते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, उन देखने वालों को क्या कहते हैं, ज़ायरीन, ज़ियारत करने वाले, ठीक है। उसके बाद एतिकाद, एतिकाद किसे कहते हैं बच्चों, एतिकाद कहते हैं यकीन, भरोसा, यकीन,
भरोसा, यानी किसी पे एतिकाद करना, किसी पे भरोसा करना, किसी पे यकीन करना। उसके बाद है फैजयाब, फैजयाब, फैजयाब किसे कहते हैं बच्चों? फायदा, फैजयाब कहते हैं फायदा, यानी जो चीज फायदा पहुंचाए वो उसे क्या कहते हैं? फैजयाब। उसने मुझे फैजयाब कर दिया, उसने मुझे फायदा पहुंचा दिया, ठीक है ना। उसके बाद हो गया सर चश्मा, सर चश्मा किसे कहते हैं बच्चों? निकलने की जगह, निकलने की जगह, मंबा, यानी किसी चीज से, जो किसी चीज से कोई चीज निकलती है उसको कहते हैं निकलने, सर चश्मा, निकलने की जगह, मंबा भी कहते हैं उसको, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों आज हमने क्या किया, ये जो हमारे सबक हम पढ़ने जा रहे हैं आप दरगाह हजरत बल, इसमें जो मुश्किल अल्फाज थे इनके माने लिखे, जैसे बरादरी, बारह दरवाजों वाला मकान, मोए मुकद्दस, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतबरक बाल, वारद पहुंचना, मुस्तकिल, हमेशा पायदार, हमेशा रहने वाला, जिसको जुवाल ना हो, जो खत्म ना होने वाला हो, तो सी वसत, बढ़ाना, कुशादा करना, बढ़ावा देना, वसत देना, जाजब नजर, अच्छा नजर आने वाला, जायरीन, जायरीन कहते हैं अकीदतमंद को, ज्यारत करने वालों को, एतकाद, भरोसा, किसी पे यकीन, किसी पे एतबार, फैजयाब कहते हैं फायदेमंद को, फैजयाब किसे कहते हैं? फायदेमंद को, जो फायदा पहुंचाए, ठीक है बच्चों। उसके बाद सर चश्मा, यानी निकलने की जगह, मंबा, जैसे कोई चीज किसी जगह से निकलती है उसको क्या कहते हैं? ये उसका सर चश्मा है, ये उसके निकलने की जगह है, ठीक है बच्चों। ये मुश्किल अल्फाज के माने आज हमने लिखे, तो इंशाल्लाह कल हम जो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सबक को पढ़ेंगे, मुश्किल अल्फाज हमने आज पढ़ लिए, सबक को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद इसके जो सवाल जवाब दिए गए हैं वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है बच्चों।